हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब स्पेशल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्किल, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे आपका पीएचडी रिलेटेड वैकेंसी हो, सबके सारे यहाँ पे जो वैकेंसीज की डिटेल है वो मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है CSIR JRF, ICMR JRF, DBT JRF या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मेरा बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लें नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो आया है वो आया है IGIB से। तो पोजीशन फॉर ओपन फॉर टेम्परेरी रिसर्च प्रोजेक्ट पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशंस निकालेंगे वो टेम्परेरी पोजीशंस है, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा 25 जनवरी 2022 10 AM वाया वीडियो कॉल के थ्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो IGIB में जो पोस्ट निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोजेक्ट कोड है, प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको क्या प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, साथ ही प्रोजेक्ट लीडर आपको बता दे रखा है कि आपको किसके अंडर वर्क करना है, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ पोजिशन, डिजिग्नेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इनिशियल ड्यूरेशन, तो ये सब इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मैंशन कर रखा है। तो अगर हम बात करें इस पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रोजेक्ट कोड दे रखा है SCP-023 सिकल सेल एनीमिया मिशन फेज 2, और प्रोजेक्ट के जो लीडर है वो डॉक्टर सौविक मैती, पोस्ट कोड 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, और जो डिजिग्नेशन आपका रहेगा वो रहेगा सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए नेचुरल साइंस में, या बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मेडिसिन में। इसके साथ साथ आपका 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या आपके पास डॉक्टर डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे डिजायरेबल जो यहाँ पे मांगा गया है आपसे वो है एक्सपीरियंस इन कंप्लीट वर्क फ्लो ऑफ जीनोम एडिटिंग एक्सपेरिमेंट एंड हैंडलिंग पेशेंट्स सैंपल, एंड एक्सपीरियंस इन सैंगर सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस। और जो एज लिमिट है 40 है, और आपका यहाँ पे जो इनिशियल ड्यूरेशन रहेगा वो टिल 31 मार्च 2022 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल ड्यूरेशन रहेगा, इसके बाद आपके जो वर्क को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका ड्यूरेशन बढ़ा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ मैंशन कर रखी है। इसके अलावा इन्होंने प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज को भी निकाला है। तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए नेचुरल या एग्रीकल्चर साइंसेस में, या आपका जो है डिजायरेबल है वो आपका वेट लैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेमेलियन सेल कल्चर ट्रांसफेक्शन प्रोटीन प्योरीफिकेशन में, और जो मैक्सिमम एज लिमिटेड 35 ईयर्स, और ये प्रोजेक्ट है वो 31 मार्च 2022 तक रहेगा। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर जो भी PI आपके रहेंगे वो, और आपका पोस्ट कोड, और यहाँ पे डिजिग्नेशन, और आपको यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और आपका जो है प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है जिस भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप जो है जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेंशन कर रखे हैं प्रोजेक्ट का, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिस भी एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप उसको जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वे में दे रखा है। इसके अलावा ऑल द पोजीशन विल बी फिल्ड एज पर CSIR OM डेटेड 9 मार्च 2021 अगस्त 2013 2022। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो इन्होंने मेंशन कर रखा है एमोलूमेंट, वो आपको 31,000 प्लस आपको HRA दिया जाएगा अगर आपके पास नेट है तो, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपके पास जो है नेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे 25,000 प्लस आपको HRA दिया जाएगा फॉर अदर्स हु डू नॉट फॉल अंडर मस्ट अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका नेट या गेट है तो आपको 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा, अगर आपके पास नेट या गेट नहीं है तो आपको 25,000 प्लस HRA यहाँ पे मेंशन लाइक दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। तो यहाँ पे अगर आपके पास लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर किया हो, चाहे आपका नेट हो चाहे आपका गेट हो, तब आपको यहाँ पे 35,000 प्लस आपको HRA दिया जाएगा। वहीं अगर आपके पास नेट या गेट नहीं है, तो आपको यहाँ पे 28,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी भी निकाली है, तो यहाँ पे देखिए 42,000 और आपको यहाँ पे HRA दिया जाएगा। तो एप्लीकेंट मस्ट विल बी सब्जेक्टेड टू शॉर्ट लिस्टिंग बाई अवर साइंटी अकॉर्डिंग टू करंट रिक्वायरमेंट, एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड, द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फंड अवेलेबल इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड इस वैलिडिटी, ठीक है। तो जितने भी लाइक एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन जो रहेगा वो है आपका एज पर CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि अगर आप एमएससी के लास्ट ईयर में या बीटेक के लास्ट ईयर में या पीएचडी के लास्ट ईयर में, तो आपको यहाँ पे जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको यहाँ पे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट जो मैंशन कर रखा है जनवरी 12th है, तो आपको यहाँ पे जो है IGIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की बाय ऑनलाइन मोड वो रहेगा जनवरी 12th। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेंशन कर रखा है रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट लाइक वुड नो एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन विद रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे जो है लाइक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे ऑफलाइन मोड में होता है तो आपको यहाँ पे कोई भी TA DA जो है वो नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।